नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखंड के ग्राम पंचायत खेड़ला जनकपुर में ग्राम सचिव व सरपंच की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे घोटाले। ग्राम सचिव प्रार्थियों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में कर रहा है चौथ वसूली। ऐसा ही एक मामला प्रार्थी संजय के पिता सुगर सिंह प्रजापत का है, जिसमें 2011 की लिस्ट में सुगर सिंह प्रजापत का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में था। सुगर सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि प्रार्थी ने योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ग्राम सचिव को दे दिए। संजय इस योजना के बारे में ग्राम सचिव से कई बार मिला, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। संजय ने बताया कि ग्राम सचिव द्वारा योजना का लाभ दिलाने के लिए 20,000 रुपये की मांग की है, जिसे देने में प्रार्थी असमर्थ है। परेशान होकर संजय ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में जो आपने कंप्लेन की है पीएम आवास योजना में, सेक्रेटरी के द्वारा आपका नाम पृथक कर दिया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मेरे पिताजी सुगर सिंह प्रजापत का 2011 की पीएम आवास सूची में नाम था। उनकी मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने जब सेक्रेटरी से कहा मेरी पीएम आवास मुझे स्वीकृत कराए, तो उन्होंने मैंने सभी डॉक्यूमेंट से सेक्रेटरी को दे दिए। जब सेक्रेटरी ने मेरे से बोला मेरे को 20,000 रुपये दो, मैंने कहा मेरे पास 20,000 नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप जो आपकी 3 बार किस्त आएगी उन किस्तों में से मेरे को थोड़ा थोड़ा निकाल के दे देना, 6,000 प्रति किस्त में से दे देना और 2,000 रुपये नरेगा में से आएंगे उसमें से दे देना। फिर मैंने ऐसा मना करने पर उसने मेरा नाम पीएम आवास से पृथक कर दिया। 181 पर कई बार, लगभग 18 बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं गई है। मुन्ना लाल सेक्रेटरी द्वारा उसे ड्रॉप कर दिया गया। बार बार बता दिया गया लाभार्थी के पास पक्का मकान, जबकि मेरे पास कोई पक्का मकान नहीं है, जबकि हमारा जीवन यापन पालनहार पेंशन से होता है, हमारे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं चाहता हूँ मुझे पीएम आवास जल्द से ही जल्द स्वीकृत की जावे और मुझे जो पढ़ाई के लिए अन्य खर्चा जो सरकार अन्य आर्थिक राहत मुख्यमंत्री राहत कोष से देती है वो सहायता दिलाई जाए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय कृष्ण कोहली, सरपंच रेंडाल गुजर। ये हाल ही में जो शिकायत हुई है सर प्रधानमंत्री आवास योजना में, संजय जो प्रार्थी है संजय, उसने एक शिकायत करी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका नाम काट दिया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सेक्रेटरी ने जो संजय प्रजापत का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से काटा है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सेक्रेटरी पंचायत में जो काम करता है अपनी मन मर्जी से करता है। सेक्रेटरी ने कोई काम ऐसा भी कर रखे होंगे जिसकी हमें सूचना नहीं आती है। हम जब प्रार्थी द्वारा शिकायत की जाती है जब पता चलता है। सर क्या संजय प्रजापत का पक्का मकान है? पक्का मकान तो नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं है, दो भाई है उनके, कोई पक्का मकान नहीं है, झोंपड़ी में रहते हैं और इसके जीवन पालन हर योजना से पेंशन से होता है।